सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ये कौन बनाता आपको वचन? लोग बहाने बनाएंगे, उनको लगता बहाने से काम चल जाएगा। प्रभु मैं तो बयान पढ़ा ना, मेरा तो इतनी सर झुका, मेरा तू दे ले देख देना। नो, तुझे वचन के लिए भूख साबित करनी होगी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहते मैं ऐसे ही सेवा करता हूँ, मैं केवल सुनता हूँ पर मैं वचन को पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं की। मैंने कहा सीख इसे, क्योंकि नहीं तो तू सुन सुन के तो उतना नहीं बढ़ पाएगा सेवा में। तुझे वचन खुद पढ़ना होगा, तुझे पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, तुझे लिखना आना चाहिए, ताकि तुम उन बातों को याद रख सको। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ध्यान से समझना है कि विश्वास हमारा कैसे काम करता है। तो प्रार्थना में कई लोग केवल शिपते हैं, पर हम केवल शिपने वाले विश्वासी नहीं बनेंगे, हम कौन बनेंगे? ये वचन वाले विश्वासी पढ़ेंगे हम। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसकी 16 से 18, जो मैंने संडे बोला था इस वचन पे खत्म करेंगे। इफिसियों की किताब 6:16-18, 16 में क्या लिखा? पर इससे पहले आपको घर जाके पढ़ना है, और उन सबके साथ मतलब उपवास, प्रार्थना, वचन, इन तीनों के साथ, समझ पा रहे हैं? और उन सबके साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो। डाल, डाल बन के मेरी तू बचांदा, बहुत सारे वचन में आता ना डाल, विश्वास की डाल लेकर, विश्वास में खड़े होके। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, जो इधर डाल रख लो, विश्वास से खड़े हो जाओ। तुम विश्वास में खड़े हो तो जादू टूना, दुष्ट आत्मा, शैतान, बीमारियां तुझे छू ना पाएंगी, मानते हो? पर केवल छिपने का स्थान नहीं बनना, डाल है विश्वास की प्रार्थना में, तुम बचे हो। पर तुमने आत्मा की तलवार लेनी है, और इधर बचते बचते ठा 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 मारते जाना शैतान को, दुष्ट आत्मा निकालते जाना अपने पिंड से, अपने नगर से, अपने घर से, अपने शहर से, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन मारता है। हालेलुया। उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अगर तुम विश्वास में, इसका मतलब दुष्ट आत्मा तेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। आप कहते हैं मुझे दुष्टात्मा छुटकारा चाहिए, पास ही दुष्टात्मा की शिक्षा शुरू करो। दुष्टात्मा कितने प्रकार की होंगी है, हाँ, केड़ी छोटी होंगी, केड़ी वड्डी होंगी, कितना कढ़ना, कितना प्रेयर करनी, कितना केड़े वचन बोलने। नो, विश्वास की डाल लेकर स्थिर हो जाओ, ताकि तुम चलते तीनों को बुझा सको। तुम विश्वास में खड़े हो, दुष्टात्मा तेरी तुम डाल, तुम सुरक्षित हो। 91 जबूर पढ़ रहे हो, पर अगर फेत ना नहीं पढ़िया तो काम करेगा? तो डाल आएगी विश्वास की। कोरोना दे टाइम कान में जबूर केने नहीं पढ़िया, कितने मतलब बड़े बड़े पास्टर ने भी पढ़िया होना, हाँ, मानते हो? कोरोना दे टाइम केने नहीं पढ़िया होना कान में जबूर, सारे नु चेता आ गया, सारे भजन गाण लग पे कान में जबूर, तो लै के सारे वर्शिप पर भजन गाण लग पे, क्योंकि जो फील करते से वही भजन बना के पेश करते अगले ने। सारे बाइबल कान में जबूर कट कट के पढ़े। हालेलुया। शर्माए ना, माड़ा दस्यो था किन्ने नहीं पढ़े है। अच्छी गल है, पढ़ना ही चाहिए सी, विश्वास की घोषणा तुझे डर के पढ़िया, पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़िया पर मैंने डर के नहीं पढ़ा, मैंने घोषणा की है अपनी कलीसिया पर, प्रभु तेरे वचन में कलीसिया में ये वायदा है, मेरी कलीसिया पर ये अटैक ना हो, और नहीं हुआ। हालेलुया। हमने मीटिंग की, लेहन किए, सब कुछ किया। मान लो आपने कोरोना के टाइम कईयों ने कान में जरूर पढ़ा होगा, पर फिर भी लोग, कई विश्वासी भी मरे, खबरों में भी आया, जो विश्वास की डाल जिनके पास नहीं थी, केवल वचन था, केवल प्रार्थना थी, वो इमरजेंसी वाली प्रार्थना, सारा कोई कदे प्रार्थना नहीं, कदे वचन नहीं, कदे चर्च नहीं आए, और जो दुख आया, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बिल्लू बचाला बचाला, तो ऐसे विश्वासी जो स्टपनी की तरह यीशु मसीह को यूज करते,
जब प्रॉब्लम आई तो स्टेपनी निकालते हैं, जिंदगी सारी खुद चलाएंगे। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को आगे रखेंगे, आप अपने जीवन में सब हिस्सों में आगे रहेंगे। मैरिज का मसला है, परमेश्वर को आगे रखो। चर्च में आने का मसला है, प्रभु को आगे पहला स्थान दो। रिश्तेदार आगे घर में आगे स्थान दो। प्रार्थना में प्रभु को पहला स्थान दो। बाइबल पढ़ने में प्रभु को पहला स्थान दो। भलाई करने में प्रभु को पहला स्थान दो। कुछ भी हो, प्रभु को पहला स्थान दो, परमेश्वर को पहला स्थान दो, तो तुम अपने हर हिस्से में पहले स्थान पे रहोगे। मतलब जिन हिस्सों में तुम खुदा को पहला स्थान दोगे, मैरिड लाइफ में तुम पहले स्थान पे रहोगे। तुम जिस भी हिस्से में तुम ऊंचे किए जाओगे, जिसमें खुदा को पहले स्थान में दोगे, पैसे में खुदा को, बोने में पहला स्थान, पहले दशमांश निकालो, खुदा को दो, पहला स्थान खुदा को दोगे तो आपको खुदा हमेशा पहले नंबर पर, फाइनेंस पर, पैसे पर, बरकत पर रखेगा। यीशु नाम। तो ये मनन करना है, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे चुका हूं आज कि खुदा को अपने जीवन के जिन हिस्सों में तुम पहले स्थान पर रखोगे, उन हिस्से में तुम आगे जाके देखोगे तुम पहले स्थान पर खड़े होगे। यीशु नाम, हालेलुया। तो कई लोग पहले स्थान पर नहीं रखते खुदा को, जब मुसीबत आए तो पुकारते, तो कान में जबूर भी काम नहीं करता अगर विश्वास की डाल नहीं। आत्मा की तलवार भी फिर काम नहीं करेगी। तलवार क्या करेगी, मतलब इधर बचाने के लिए नहीं है। तुम सामने वाले के मार रहे हो, वो डाल से रोक रहा है, वो तलवार मार रहा है, तुम किससे रोकोगे। 17 आयत एफिसियों 6:17, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो, तो ये वचन साबित करेगा इस पार्ट 2 का सेशन का कि इसमें विश्वास भी आया। 16 से लेकर 18 तक आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहले विश्वास आ गया, विश्वास की डाल, आत्मा की तलवार वचन ले लो कहते हैं। डाल भी चाहिए, तलवार भी चाहिए। ओके, आगे, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आ गया ना प्रार्थना भी, अब आप समझ पा रहे हो। जब वचन आ रहा है तो पूरा मजा आ रहा है, फेथ आ रहा है, फेथ बढ़ रहा है। मेरे बोलने से कम फेथ बढ़ता है, पर जब वचन देख लेते हो आप ज्यादा बढ़ते हो आत्मा से। इसलिए बाइबल लिखित वचन है खुदा का, जब खुद बाइबल पढ़ते हो आप ज्यादा आत्मा से भरोगे, लेहन से भी ज्यादा वचन से तुम बढ़ते हो। आपको पता है, अगर तुझे वचन सही तरह से पढ़ना आ जाए, हालेलुया। हर समय हर प्रकार से, हर समय किसी भी समय तुम प्रार्थना कर सकते हो। जी सुबह प्रार्थना करनी चाहिए तो पैर नू या रात नू, वो कहते हर समय हर प्रकार से। अजी घुटने ते करनी चाहिए है जी, चौंकड़ी मार के करनी चाहिए है कि लत्ता फसार सकते हैं जी, कि सौ के कर सकते हैं जी प्रार्थना। प्रभु जी फास्टिंग उठ के करनी होंगी, पैके कर लेंगे। समझ पा रहे हैं, तो वचन क्या कहता है, उत्तर आपको मिल रहा है। हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, घुटनों पे आके करो, लेट के करो, चल के करो, वचनों के साथ करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। या आत्मा में प्रार्थना मतलब हम में कौन सा आत्मा है, विश्वास का आत्मा, तो विश्वास की आत्मा से प्रार्थना करनी। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखो विनती अलग चीज है, प्रार्थना में आता है हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, मतलब वर्शिप आती है प्रार्थना में। तो जब आप कहते हैं तो फिर कंफ्यूज हो गया जी कि हम लंबी लंबी प्रार्थना ना करेंगे, तुसी संडे प्रचार कर रहे सी, कहां बोला लंबी ना करो। जब मीटिंग खत्म करके गया, मैंने कहा मैं एक हफ्ता मैंने डिसाइपलशिप मीटिंग की है, अब एक हफ्ता मैं प्रेयर में जा रहा हूं, लॉन्ग प्रेयर फास्टिंग में। समझ पा रहे, तो इसका मतलब मैंने कहा वो बराबर करना है तुझे, वो बराबर करने के लिए तुम लड़ने जा रहे हो। मैं तो चला गया, आप तैयार हो जाने के लिए, अपना बराबर करने लेके जाने के लिए, से फास्टिंग, प्रेयर, वचन, साथ में विश्वास, और तो फिर विश्वास के ग्रेट मिरेकल देखोगे यीशु नाम में। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना और विनती, विनती कर दे प्रभु जी मेनू दे 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 दे, मांग सकते हो, मंगलो तो दिता जाएगा, गलत नहीं। प्रभु जी उन्हों दे 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 दे, क्या है, बिनती है। तो
और बिनती में क्या होता है, आराधना में तुम बकबक नहीं करते हो, बिनती जब इमोशनल होती है, बिनती जब हन्ना की तरफ, मेरी सौतन मैंने चढ़ा रही है, प्रभु मैनु भी बच्चा दे, सौतन दे मुंह ते चपेड़ बजे, उन्हें पता लगे मैं भी उन्हें जलाऊंगी, बहुत जलाया, ऐसी फीलिंग से भरी हुई थी। जब वो फीलिंग में शांत नहीं हुई, प्रभु अब तू बच्चा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, प्रभु कहते अब बकबक वाली प्रेयर नहीं है, अब मेरी महिमा के लिए वचन के साथ है। यही तो मैं चाहता था कि मैं तुझे केवल बच्चा ना दूं, नबी दूं। और नबी विश्वास की प्रार्थना से मिलते हैं, हालेलुया। स्ट्रॉन्ग मैन फेथ प्रेयर से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैंने बोला कि तुम 5-5 घंटे प्रेयर आराधना करो, 10 घंटे कर लो जाए, वचन आराधना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अब दूसरों की प्रार्थना ये नहीं करोगे, प्रभु उन्हें चंगा कर देता, प्रभु शेम ही नहीं होगे, मैं इतना विश्वास बदल ले जोर लगाया, प्रभु उन्हें बचा ले, प्रभु मैं मेरी मेरी बेइज्जती हो जानी है, मैं क्या ईश्वर चंगा करने वाला, जो ना चंगा हो मेरी बेइज्जती हो नहीं प्रभु चंगा। तो बिनती वचन के साथ हो। वचन क्या कहता है, जो मुंह में आवा बकते मत जाओ, उसे बक बक बोला गया। आत्मा में बोलो, देखो मैं सही बोल रहा हूं। कई लोग गलत लफ्जों के कारण आशीष नहीं ले पाते, मैन ऑफ गॉड के साथ गलत लफ्ज, परमेश्वर के सामने लफ्ज जब सही ना हो, जब थैंक्स ना किया जाए, हालेलुया। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए तुम जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। चर्च के पवित्र लोगों के लिए, पवित्र कलीसिया के लिए लगातार विनती करते हो, तो हम प्रभु की पवित्र कलीसिया, पवित्र लोग हैं। बाहर वालों के लिए तो करनी है कि प्रभु में आए, पर कलीसिया के सारे विषयों के लिए, मतलब लंबी कर लो प्रेयर, मान लो यहां पर कितने प्रेयर के टॉपिक है, 15 मिनट तुम कलीसिया को देख के प्रेयर कर सकते हो। प्रभु जी जो भैन पिछे गवाही लग दी है, प्रभु उन्होंने होर ब्लैस कर, होर ब्लैस कर। प्रभु जी जिन्नी भी भैन एमरजेंसी सेशन में बैठे लोग, प्रभु उन्होंने ब्लैस कर। प्रभु जी जिन्ने भी वाइट कार्ड के लोग आंदे, प्रभु इस बार आन खुदा उन चंगे होने में मांग दी यीशु दे नाम। प्रभु जी जिन्ने भी कैमरा टीम है, होर वधिया काम कर पाने यीशु मसीह दे नाम। प्रभु जी साउंड टीम हमेशा साउंड अच्छा चले खुदावन, कदे भी साउंड की दिक्कत के नाल कोई प्रचार मिस ना हो, कोई आराधना का सोंग मिस ना हो खुदावन, ऐदा ना हो कि साउंड चले और लोगों को सुने ना। प्रभु अच्छा साउंड मांगते हैं खुदावन, अच्छा पिता परमेश्वर अच्छे इंतजाम मांगते, अच्छा मौसम मांगते खुदावन, खुदावन पाबंदियां जरूरत लिए प्रेयर करते हैं खुदावन। तो आप उन चीजों को प्रभु वर्शिप टीम के लिए, इंस्ट्रूमेंट टीम के लिए और अच्छा बजाए, तेरी महिमा के लिए आत्मा से बजाए और पवित्रता इनके जीवन में बढ़े खुदावन। प्लेंटर को और बुद्धि देना, समझ देना कि जितने लोग आए यहां से खुश होकर जाए कि और चर्च के प्लेंटर बहुत अच्छे हैं, प्रभु कितने टॉपिक बन गए। तो पवित्र लोगों के लिए लगातार, ये एक बार नहीं आज योजना की थी, लगातार टच करो इन विषयों को, तुम असर देखोगे यीशु के नाम में। कलीसिया करोगे आज से, सब पवित्र कलीसिया के लिए विनती करो। ओके, तो मैं फिर से दोबारा पढ़ दूंगा, 16 से दोबारा पढ़ेंगे, ताकि ने तीन चीजें हम इनमें नोट करवा दें। 16 में क्या लिखा था, उन सबके साथ विश्वास की डाल, नोट लाइन कर दो बाइबल में अपनी, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहने के लिए दुष्ट की जलते तेरे को बुझा सको। यस, आगे 17 में उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, लेकर तलवार परमेश्वर का वचन दूसरी बात, और तीसरी हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना तीसरा। ओके, अब वचन का टॉपिक दिखाएं क्या आया, विश्वास के जीवन में प्रार्थना और वचन का क्या काम है। विश्वास आपकी ढाल है, हाँ, दुष्टात्मा आपको छूने ना पाएगी, मार ना पाएगी, एक आने में जबूर काम करेगा, तेरे निकट 1,000 तेरे दानी और 10,000 गिरेंगे, तेरी हानि ना होगी। विश्वास बिना नहीं, विश्वास के साथ कान में जबूर काम करेगा। वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं आप सीख चुके हो, तो ऐसे आपको मिला के इसे देना है, प्रार्थना विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना को मिला दो, इसमें खड़े रहो। तो मैंने कहा था कि आपको विश्वास को बोलने के लिए प्रेयर रूम में जाने की जरूरत नहीं, तो अंगीकार कभी कभी भी बोल सकते हो आप, उसके लिए मैंने लंबी प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप प्रेयर रूम में जाएंगे और आपको आप अंगीकार विश्वास का कहीं भी कर सकते हो, हर समय हर प्रकार कहीं भी, पर जब आपको गुप्त में प्रार्थना करनी, एकांत में जा, द्वार बंद कर,
तो वो एक प्रेयर अलग है, पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप केवल आप और खुद है। ग्रुप प्रेयर नहीं, चर्च की प्रेयर नहीं, कलीसिया में प्रेयर नहीं, पर्सनल प्रेयर। तो वो पर्सनल प्रेयर आपकी होनी चाहिए जिसके साथ आप प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति करते हैं, आप पर्सनली बढ़ते हो। कलीसिया में पूरा झुंड में बढ़ते हो, आप सब ब्लेस होते हैं, झुंड में पूरा झुंड रिसीव कर रहे हैं। पर्सनल प्रेयर में आप पर्सनल ब्लेस होते हो। हालेलुया। इसलिए जो द्वार बंद कर, अन्य जाति की तरह बक बक ना करना, द्वार बंद कर, अकेले में जाके, शांत में जाके, गुप्त में प्रार्थना कर, दिखाने के लिए नहीं कि मैं प्रार्थना वाला हूं, उपवास में दिखाने के लिए नहीं मैं उपवासी हूं, गुप्त में प्रार्थना कर। और फिर तेरा जो पिता गुप्त में तुझे देखता है, पर्सनली तुझे देखता है, सब में तो देखता है, जो पर्सनली तुझे देखता है वो तुझे पब्लिकली रिवार्ड देगा, पब्लिकली टेस्टिमनी देगा, लोगों के बीच में, बिजनेस में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कॉलेज में, लोगों के सामने तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब आपको विश्वास है, आपको प्रार्थना करनी है, आराधना करनी, स्तुति करनी, धन्यवाद करना है, तारीफ करनी, महिमा करनी, वड्याई करनी है परमेश्वर की। हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करनी, और एंड में 5 मिनट प्रभु अपने लिए दिल खोल के गल करो, अगर वो विश्वास दे नाल आ, वो पूरी होएगी ही होएगी यीशु नाच। हालेलुया। तो आप सीख चुके हो कैसे ये काम करता है। तो आपने देखा ये तीनों एक वचन में आ गए, और ये वचन का टॉपिक पूरा हुआ एक ही लाइन में जब आए। तो आपको विश्वास के साथ सहयोग देना है। अगर आप अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं परमेश्वर से, विश्वास की प्रार्थना उत्तर लाती है। लिखे यदि कोई बीमार है तेल मल के उनके लिए प्रार्थना की जाए, पर चंगा कौन करेगा। लिखे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी उठ खड़ा होगा। ऑयल आप लगा रहे हो फेथ के साथ नहीं है, वो भी काम नहीं करेगा कहते। तो इसलिए विश्वास की प्रार्थना आपको करनी। हालेलुया। विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है, आपको लिखना है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोन है। ये फरीसी और सदूकी लोग जो थे, तो ये प्रार्थना एक, अगर विश्वास के बिना है तो प्रार्थना क्या है, धार्मिक क्रिया है। वो तो मन्ने जाति में भी करते थे, पहले मसीह में आने से पहले भी करते थे धार्मिक क्रियाएं। विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। बस आप धार्मिक जो होते ना, धार्मिक, अपने आप को धर्मी शो कर दे। सदूकी फरीसी लोग अपने आप को धार्मिक बताते थे, वो पर है नहीं थे। तो प्रार्थना एक ऐसा ही है, विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। आप धार्मिक शो कर रहे हो कि मैं 4 घंटे प्रे कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, रोज बाइबल भी पढ़ती हूँ। जैसे पास्टर के पास जाते, पास्टर जी मैं प्रेयर भी कर दी, रोजे भी रख दी, बीज भी बोनी, सुसमाचार भी सुनानी, फिर भी क्यों नहीं होता। बोलो विश्वास की प्रार्थना, विश्वास बिना प्रसन्न करना न होना है। हो सकता है वो तेरी 5 घंटे की प्रेयर विश्वास के साथ नहीं है, हो सकता है वचन पढ़ते तो हो तुम पर तेरे अंदर विश्वास ही नहीं आ रहा है, बिलीव ही नहीं, बिलीव ही नहीं आ रहा है तेरा, फिर भी बिलीव सबूत किया, तुम पूरा दिन चिंता में रहते हो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, डर लग रहा है मुझे, घबराहट हो रही है, नेगेटिव अंगीकार चलते फिर दे। ये क्या साबित कर रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना विश्वास की नहीं है। तो विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक काम है। जैसे सदूकी फरीसी लोग ये प्रार्थना करने में समय बिताते थे, बहुत मेहनत करते थे वो प्रार्थना, जब पूरी मेहनत करते थे, पर खुदा को खुश करने के लिए नहीं, खुदा खुश नहीं होता था उससे, क्योंकि विश्वास में ना उसे प्रसन्न करना अनहोन है। क्या सदूकी फरीसी प्रभु पर बिलीव करते थे, नहीं करते थे ना, यीशु पर बिलीव नहीं करते थे। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, बाइबल में लिखा है, पर वो यीशु को मानती नहीं, बिलीव नहीं करती, उसकी आज्ञाकारी नहीं करती। बिलीव करना मतलब आज्ञा मानना जो लिखा है वचन में, मानती नहीं थी दुष्ट आत्मा। विश्वास करती हो भी तुम कड्डो होने दुष्ट आत्मा किसी जो बोलोगी तुम बोलो कौन है, यीशु है थे, कौन है यीशु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही मसीह है, सब कुछ पता है उन्हें, वो बोलेगी, पर वो आज्ञाकारी नहीं करेगी, क्योंकि उसका बीज, उसके अंदर पाप का बीज है। अगर दुष्टात्मा के अंदर पाप का बीज है और वो डीट है, धार्मिकता में चली नहीं सकती, तो आज का विश्वासी जिसके अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज है, आपको भी आत्मिक डीट बनना है कि मैं पाप कर ही नहीं सकता, मेरा लेना देना ही नहीं उससे कोई। दुष्टात्मा ठीक है,
कड़ी देखे दुष्टात्मा चल दी वचन थे पवित्रता इच खड़ी, नशा बिल्कुल नहीं खांदी पींदी, कोई नहीं गाल कटती, कोई नहीं गुस्सा। अगर दुष्टात्मा अपने काम में डीट है कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे अंदर शैतान का बीज है, लूसीफर का बीज है, तो आपके अंदर परमेश्वर का विनाशी बीज है। आपको भी ऐसे जीना है कि मैं पाप कर ही नहीं सकता, उसका बीज मुझ में है कि मैं पाप से स्वतंत्र रह सकता हूं, जी सकता हूं। आपको इमोशनल नहीं होना, मैंने नहीं लगता दुनिया से कोई पाप तो बिना जी सकता, ये अभिलाषा है तो प्रगट होंगी है तो हर आंदी है। नो, आपने मानना है कि मेरे अंदर खुदा का विनाशी बीज है। हालेलुया। सदूकी पृथ्वी वो परमेश्वर को जानते ना ही, वह जानते थे ना ही परमेश्वर को समझते थे, वो ना ही तो वो जानते थे, ना ही तो प्रभु ने कहा तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो, ना ही तो परमेश्वर को जानते थे ना ही वो परमेश्वर को समझते थे। प्रभु ने कहा धन्य है जो मुझे जानता और समझता, धन्य है आशीषित वह है जो मुझे जानता और समझता। तो विश्वास की शिक्षा में आपको लिखना है, विश्वास की शिक्षा में आशीषित वो होगा जो परमेश्वर को जानता और समझता है। जानना समझना मतलब बिलीव करना, जिसको आप जानते हो समझते हो उसके ऊपर आप बिलीव करते हो। हालेलुया। और ना ही उनके वचन की वह सामर्थ को जानते थे जो परमेश्वर से काम, जो विश्वास से काम करती है, ना ही वो वचन की सामर्थ को जानते थे जो विश्वास करने से काम करती है। इसलिए वचन में भी बढ़ना, प्रार्थना में भी बढ़ना, विश्वास में भी बढ़ना। जो सदूक की फरीसी जो थे वो धार्मिक का काम करते थे, वो प्रार्थना तो करते थे पर वो एक धार्मिक काम था, रिलीजियस वर्क था कि हाँ हम जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, जैसे मान लो रेगुलर संडे में वो लोग कम आएंगे चर्च में, प्रभु भोज में क्यों ज्यादा आ जाते हैं, तुम लगता कि प्रभु भोज ज्यादा होंगे चर्च में, मानते हो? वो धार्मिक क्रिया समझते, धार्मिक क्रिया जी आप यीशु दे हम लिखे मांस और लहू शामिल होना, तो वो एक धार्मिक क्रिया के रूप में आते हैं और वो प्रभु वो जो ने हील भी नहीं कर पाता, हमेशा आपको दुखी निराश गरीबी पैसे लूट के ले गए एजेंट, यही टॉपिक मिलेंगे उन्हें उनके। और एक प्रभु भोज तो भी ऊपर सर्विस होती है, क्रिसमस मानते हो? उदो हड़े आ जाता लोगों का हर चर्च में, मानते हो? उही धार्मिक लोग, साढ़ा साल आ गया, साल च तो जाना ही है अपने, साढ़ा साल आ गया। तो ये एक धार्मिक क्रिया, इसे बोलते धार्मिक क्रिया, बस प्रभु से कोई लेना देना नहीं। ड्राइविंग सीट, दुख आ गया तो यीशु, नहीं तो कौन यीशु, मैं कौन यीशु कौन। हालेलुया। तो प्रार्थना विश्वास के बिना, प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। आपको धार्मिक क्रिया नहीं करनी, आपको विश्वास की प्रार्थना, वचन की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना करनी। आप ब्लेस है यीशु नाम में।